दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत कम पैसे में आप चाय का बिजनेस बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। इस बिजनेस को आप 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए मुख्य रूप से आपको थोड़ा सा चाय पत्ती के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसके लिए आपको एक सीलिंग मशीन की ज़रूरत होगी। सीलिंग मशीन छोटी वाली 1,500 रुपये में आपको बड़े आराम से मिल जाएगी, छोटी रहती है। उससे आप पन्नी में पैक करके और मार्केट में बेच सकते हैं। अब चाय को कैसे बेचते हैं या किस पन्नी में पैक करते हैं, तो चाय को पैक करने के लिए बहुत सी कंपनियां नॉर्मल पन्नी में, जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिसमें आर पार दिखता है, उस पन्नी में भी पैक कर बहुत सारी कंपनियां बेचती हैं। लेकिन बहुत सी कंपनियां अपना ब्रांड बना के बेचती हैं। अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो उसके लिए आपको अपना खुद का स्टिकर बनवाना पड़ेगा, और जो आप पन्नी में पैक कर रहे हैं उसमें अपना स्टिकर चिपका दें। वैसे भारत में सबसे ज़्यादा चाय पसंद की जाती है बॉक्स पैकिंग में, मतलब डिब्बा, जो प्लास्टिक का डिब्बा होता है पीओपी का, उसमें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इस डिब्बा के लिए आपको ज़्यादा बल्क में मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बनवाने की ज़रूरत है। इस डिब्बे को आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट में जाइए, और इंडिया मार्ट की वेबसाइट में आपको डिब्बे बड़े आराम से और बहुत अच्छे और बहुत सारे डिजाइन में मिल जाएंगे। जैसे आप डिजाइन पसंद करेंगे वैसे मिल जाएंगे। डब्बा की प्राइस की स्टार्टिंग होती है लगभग 5 रुपये, 6 रुपये से लेके और आपको 30 रुपये तक डिब्बा मिल जाएंगे। जैसा आप डिब्बा लेना चाहें वैसा डिब्बा ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से मीडियम रेंज का, ज़्यादा महंगा नहीं, 6, 7, 8, 10 के अंदर अंदर ही डिब्बा लें, तभी आप थोड़ा अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगर ज़्यादा महंगा डिब्बा ले लेंगे या ज़्यादा महंगी पाउच ले लेंगे, पैकिंग ले लेंगे, तो फिर आप अगर अच्छा माल नहीं देंगे तो आपका ब्रांड नेम उस तरीके से नहीं बन पाएगा और आप ज़्यादा दूर तक बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा दूर तक बिजनेस करना है तो आपको हर चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे आपको बेहतर क्वालिटी की चाय पत्ती भी देनी पड़ेगी, मीडियम क्वालिटी का बॉक्स पैकिंग भी देनी पड़ेगी, और उसमें अपनी ही मार्जिन रखनी पड़ेगी, स्टॉकिस्ट की भी मार्जिन रखनी पड़ेगी और रिटेलर की भी मार्जिन आपको रखनी पड़ेगी। और ये आपके द्वारा ही बताया जाएगा कि आप रिटेलर को कितनी मार्जिन दे रहे हैं और स्टॉकिस्ट को कितनी मार्जिन दे रहे हैं और आपको कितनी मार्जिन मिल रही है। वैसे जो कंपनी लेवल का काम स्टार्ट होता है उसमें 20% की मार्जिन हर बिजनेस में लोग, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लेके चलते हैं। लेकिन आप अगर छोटे शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 30% आप अपना बेनिफिट लेके चलें, जिससे कि आपके एक्सपेंसेस निकल पाएं। क्योंकि आप घर में बनाएंगे और आप जहाँ भी बेचने जाएंगे, बेचने में भी खर्चा लगेगा, तो आपको 2 पैसा मिलना भी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और जब बड़े लेवल में आपका काम हो जाए तो आप उसको 20% में कर दीजिए। और उसमें 20% में इसलिए पड़ता पड़ता है क्योंकि वो फिर लाखों में माल की सेल होती है, और जब लाखों में सेल होगी तो आपको ज़्यादा पैसा बचेगा। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे तो आपकी सेल जो है वो कम हो जाएगी। और इसकी पन्नी लेने के लिए आप इंडिया मार्ट में भी पन्नी ले सकते हैं। जैसे पैकिंग वाली जो पन्नी आती है, सिल्वर कोटेड आती है एक पन्नी नॉर्मल आती है, या कि अगर आपको प्रिंटेड पन्नी लेना है और अगर आपको रेडीमेड पन्नी लेना है, तो ये भी आपको इंडिया मार्ट की वेबसाइट मिल जाएगी। इंडिया मार्ट में इसलिए प्रेफर करता हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया मार्ट में उचित दाम में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको वहाँ वेरायटी मिल जाएगी और सस्ते से सस्ता और महंगा से महंगा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, जो भी आप पसंद आए आपको वो ले सकते हैं। दोस्तों, चाय पत्ती के बारे में कुछ जानकारी लेना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर चाय पत्ती का बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करना अति आवश्यक है। और दोस्तों, चाय पत्ती जो मेन है उसको लेने के लिए आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज का एजेंट होगा, उसके माध्यम से आप चाय पत्ती खरीद सकते हैं। क्योंकि चाय पत्ती हमारी इंडिया में, आसाम में, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में पैदा होती है। और आप छोटा सा अगर माल लेने जा रहे हैं 10-20 हज़ार का, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ से आएंगे तो ट्रांसपोर्टिंग खर्चा ज़्यादा लग जाएगा। तो आप जिस बेनिफिट के लिए उतनी दूर जाएंगे वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, बल्कि और कहीं महंगा ना पड़ जाए। इससे अच्छा है कि हर जिले में चाय पत्ती के एजेंट होते हैं। आप पता कर लें कि आपके जिले में कौन सा एजेंट है, कई एजेंट होते हैं, उन एजेंट से संपर्क करके फिर आप चाय पत्ती ले सकते हैं। और स्टार्टिंग जब आप करें तो ज़्यादा का रॉ मटेरियल ना लें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-3,000 का रॉ मटेरियल लेके और आप स्टार्ट करें। जब अच्छी सेल होने लगे तो धीरे धीरे, जैसे ही सेल हो जाए उसको आप दूसरा माल ले आइए, उसके बाद सेल हो जाए तो आपको तीसरा माल ले आइए, तो उससे आपका थोड़ा थोड़ा बेनिफिट भी निकलने लगेगा और आपको
मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलने लगेगी और चाय पत्ती के भी बारे में धीरे धीरे रिसर्च हो जाएगा और आप चाय पत्ती के एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आप चाय पत्ती के बिजनेस करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे कि चाय पत्ती में ग्रेड होते हैं, चाय पत्ती में बहुत बहुत सारे ग्रेड होते हैं, जैसे OP, BOP, BOP1, BOP2, या कि POPM, PD1, D1, PF, OF और BEP1 डस्ट आदि। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप बल्क में चाय पत्ती खरीदने जाएंगे तो ऐसे शब्दों का यूज वहाँ पर होगा और आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो आप समझने में ज़्यादा आपको परेशानी होगी। और इसके अलावा दोस्तों, मार्केट में जो चाय मिलती है वो चाय एक ग्रेड की चाय पत्ती नहीं मिलती है, आपको अलग अलग उसको ग्रेड में चाय पत्ती को इकट्ठा करके और मिक्स करके बनाया जाता है। इस चाय पत्ती मिक्स वाली चाय पत्ती को ब्लेंड चाय पत्ती के नाम से जानते हैं। जैसे आपके घर में कोई चाय पत्ती होगी तो आप देखेंगे तो ब्लेंड चाय पत्ती उसमें जरूर लिखा होगा, इसलिए क्योंकि चाय पत्ती में कई ग्रेड होते हैं तो सबको मिलाकर बना दिया जाता है। जैसे बड़े दाने, छोटे दाने, मिक्स दाने, डस्ट वाली चाय, इन सब तरह की चाय को मिलाकर एक मिक्स बना दिया जाता है, उसमें अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। तो अगर आप भी लें, अगर शुरुआत में बिजनेस कर रहे हैं और आप लें, तो आपको ग्रेड में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बोलेंगे कि आप ग्रेड में जाइए। लेकिन अगर आप ग्रेड में जाएंगे तो आपको 4-5 ग्रेड की चाय पत्ती लेके मिक्स करके फिर ब्लेंड बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप ब्लेंड, क्योंकि आपको ब्लेंड बल्कि सस्ती पड़ जाएगी, लेकिन अलग अलग लेंगे तो आपको ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि आपको बल्क में लेना पड़ेगा। तो हमारे इंडिया में मुख्यतः जो मेन चाय होती है वो ब्लेंड चाय ही बनाई जाती है, और चाय पत्ती आसाम सिलीगुड़ी में ही पैदा होती है, लेकिन आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे आसाम में जाएंगे तो आसाम में चाय पत्ती तो होती है, लेकिन पूरे आसाम में आपको चाय पत्ती कोई नहीं देगा, आपको सिर्फ वहाँ गुवाहाटी में ही चाय आपको मिलेगी, क्योंकि वहीं आपको एजेंट रहेंगे। मान लीजिए अगर वहाँ जाते हैं आप तो वहाँ बहुत सारे एजेंट रहते हैं जो कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी दे देंगे, और जहाँ से आप लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं, आप चाहे जहाँ से लें, लेकिन उनको कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो उनका फिक्स रहता है। और दोस्तों, भारत में आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि भारत में जो भी चाय उत्पन्न होती है, 100% जो भी चाय पैदा होती है, उसका 70% उपयोग भारत स्वयं कर लेता है, और मात्र 30% चाय एक्सपोर्ट करता है, मतलब भारत से दूसरे देशों में जाता है। दोस्तों, चाय पत्ती आप मैक्सिमम 100 रुपया किलो वाली खरीदें, ब्लेंड चाय खरीदें, मतलब मिक्स वाली 100 रुपया किलो खरीदें, और कम से कम उसे 200 रुपये किलो के आसपास आप बेचने के लिए बॉक्स बना लें। जैसे एक पाव हो गया, आधा किलो का हो गया, 1 किलो का हो गया। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से राय दूंगा कि बहुत छोटी छोटी पैकेट आप ना बनाएं, बड़े पैकेट बनाएंगे तो बल्क में बिकेगा और बल्क में पैसा आएगा, तो आपको उसमें बल्क में भी बेनिफिट होगा। लेकिन अगर बहुत छोटे 25 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम की अगर आप चाय पत्ती की पैकेट बना लेंगे और बेचेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप 25 ग्राम की 10 चाय बेचेंगे तब वो जाके चाय 10 पैकेट बेचेंगे तब जाके वो 250 ग्राम हो पाएगी। लेकिन आप 250 ग्राम का अगर बॉक्स बेचेंगे तो 250 ग्राम आजकल मिनिमम चलता है, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा चाय पत्ती जो बिकती है वो 250 ग्राम बिकती है, और आधा किलो बिकती है और 1 किलो। आप अपने क्षेत्र में जाकर पता कर लें थोड़ा सा दुकानों में कि कौन कौन सी चाय पत्ती ज़्यादा बिकती है, वही जो सबसे ज़्यादा बिकती हो वो पैकिंग आप करके दीजिए, क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। तो दोस्तों, 100 रुपये किलो से लेके 500-600 रुपये किलो तक नॉर्मली चाय मिलती है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप 100 रुपये किलो वाली चाय को आप अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये किलो तक आप बेच सकते हैं, क्योंकि 300 रुपये तक नॉर्मली बिक जाती है चाय। और आप अगर 300 रुपये बेच पाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन 200 से कम, चाहे कोई भी कितना भी बल्क मिले, लेकिन आप 200 रुपये किलो से कम अपना रेट मत रखिएगा, क्योंकि आपको शुरुआत कर रहे हैं तो आपके खर्चे ज़्यादा होंगे और बिक्री कम होगी, तो आपको खर्चे को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कमाना भी पड़ेगा, अदरवाइज आप नुकसान भी खा सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कोई भी जो भी बिजनेस कर रहा है उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो, और 5,000 में आप बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे आप पैकेट्स मंगवा लें इंडिया मार्ट से, या कि आप अगर आप बॉक्स मंगवा रहे हैं या प्लास्टिक के डिब्बे मंगवा रहे हैं तो 50 डिब्बे 100 डिब्बे ही मंगवाएं, वो 500-600-1,000 के अंदर अंदर 100 डिब्बे आ जाएंगे आपके, 1,500 की मशीन आ जाएगी, और आपकी 100 रुपये किलो के हिसाब से अगर 10 किलो भी आप चाय पत्ती लेंगे, 20 किलो भी लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 की आ जाएगी।
मतलब टोटल ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5,000 खर्चा होगा, और 5,000 से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो करने लगे तो धीरे धीरे आप बिजनेस को बड़ा करते जाइएगा और अच्छा बड़ा व्यापार कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ज़्यादा दूर तक चलना है तो अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करें, शुरुआत में तो नहीं, शुरुआत में अभी आप ऐसे ही चालू करें, लेकिन धीरे धीरे आप ब्रांड की ओर जाएं, क्योंकि जितने भी ब्रांड इंडिया में बिक रहे हैं उनकी खुद की कोई भी चाय की बागान नहीं है, वो सभी लोग बल्क में चाय आसाम सिलीगुड़ी से खरीदते हैं और अपना ब्रांड बना के और बॉक्स में पैक करके और सभी जगह मार्केटिंग करते हैं और सप्लाई करते हैं। इसीलिए यह आप भी कर सकते हैं कि बल्क में चाय लेके अपना ब्रांड बना के और मार्केट में अच्छे रेट में माल आप दे सकते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी का खुद का बागान नहीं है, वो वहाँ से डायरेक्ट खरीदते हैं बल्क में और अपना लेबल लगाते हैं और पैकिंग करके अपना नाम और अपना ब्रांड नेम लगा के और मार्केट में बेच देते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और दोस्तों कमेंट करें, अगर और भी कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, और जिसको भी ज़रूरत लगती है या कोई आपके आसपास का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि उसको भी ये जानकारी मिले और बेचारा कुछ पैसे कमा सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।